नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपकी अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हमारे धर्म में इंदिरा एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। हर साल श्राद्ध पक्ष के दौरान इंदिरा एकादशी का व्रत आता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी का उपवास भी रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पितृपक्ष में आने वाले एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के साथ पूर्वजों की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को अगर व्यक्ति करता है तो उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधव तथा दासों सहित व्रत करने से
आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।